हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज चेक। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बनाएंगे सॉइल मॉइस्चर सेंसर विद आर्डिनो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टिंकर कैड ओपन करेंगे। ये टिंकर कैड का हमारा डेस्क कोड है। अब इसके बाद हम कंपोनेंट सर्च करेंगे। आर्डिनो आर्डिनो यूएनओ को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। इसके बाद हम सर्च करेंगे एक एलईडी और एक रजिस्टर और इसके बाद हम लोग सर्च करेंगे सॉइल मॉइस्चर सेंसर। ये हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर है। रेजिस्टर को हम लोग एलईडी के कैथोड में लगाएंगे और सेकेंड पिन रेजिस्टर के हम लोग ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर दिया, इसको कर देते हैं हम लोग ब्लैक। सेकेंड पिन हम लोग किसी भी डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देंगे। फिर नाइन पे हमने कनेक्ट कर दिया हमारी नाइन पिन। अब हम लोग इसमें देखिए पावर पिन, थ्री पिन होती है सॉइल मॉइस्चर सेंसर, पावर, ग्राउंड और सिग्नल। तो पावर को हम लोग 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देंगे। पावर को हमने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, इसको कर देते हैं रेड। ग्राउंड पिन है, ग्राउंड पिन को हम लोग कनेक्ट कर देंगे जीएनडी में, मतलब जी ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, इसको करते हैं ब्लैक। अब इसके बाद हम लोग सिग्नल पिन कनेक्ट करेंगे A0 पिन से, एनालॉग पिन से, इसको हम लोग कर देते हैं एनिकली, जैसे ग्रीन कलर कर। ये हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग कोड सेक्शन में जाएंगे। सॉइल मॉइस्चर सेंसर हमने यूज किया है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल पे जाएंगे, सॉइल मॉइस्चर सेंसर, सॉइल मॉइस्चर और इंटर कर देंगे। देखिए 3 ब्लॉक जनरेट हो जाएंगे। अब इसी में से एक ब्लॉक को ले लेंगे और हमने कनेक्ट किया एनालॉग पिन से इसकी सिग्नल पिन, तो इनपुट में जाएंगे और यहाँ से एनालॉग रीड A0। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू देखने के लिए हम लोग सीरियल मॉनिटर का यूज करेंगे। तो आउटपुट पे जाइए, प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर और हेलो वर्ल्ड की जगह हम लोग सॉइल मॉइस्चर का ब्लॉक रख देते हैं। अब स्टार्ट सिमुलेट करेंगे और सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे। ये हमारा सीरियल मॉनिटर है। देखिए सीरियल मॉनिटर में वैल्यू हमारी 0 आ रही है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा सॉइल मॉइस्चर सेंसर विथ और ड्राई ऑप्शन आ जाएगा। अभी सॉइल मॉइस्चर सेंसर हमारा वेट ड्राई है, सूखा है, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0। जब सॉइल मॉइस्चर सेंसर पे पानी आएगा तो क्या होगा, देखिए वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी। ये मैक्सिमम इसका वाटर मैक्सिमम मॉइस्चर ये डिटेक्ट करेगा, तो यहाँ से कम मॉइस्चर आएगा, कम वाटर होगा, तो ऐसे वैल्यू अलग अलग वैल्यू डिटेक्ट करेगा। जब एकदम सूख जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब ये देखिए यहाँ पर वैल्यू कैसे है, तो हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि जब सॉइल मॉइस्चर सेंसर वेट हो जाए, सूख जाए, तो हमारी एलईडी ऑन हो जाए। सॉइल मॉइस्चर सेंसर जब ड्राई हो तो एलईडी ऑन हो जाए, जब हमारी सॉइल मॉइस्चर वेट हो जाए तो एलईडी ऑफ हो जाए। दोनों कंडीशन दे सकते हैं। अगर ड्राई में एलईडी ऑन करना है, ड्राई में एलईडी ऑन कर लेते हैं, वेट में करना है वेट में। आप कंडीशन दोनों तरीके से दे सकते हैं। कंट्रोल में जाइए तो यहाँ से इफ एल्स का ब्लॉक ले लेंगे। स्टॉप पहले स्टॉप सिमुलेट, इफ एल्स का ब्लॉक लिया है यहाँ पर। फिर मैथ सेक्शन में जाएंगे, ये ट्राइंगल ब्लॉक, इसके बाद वेरिएबल में जाके सॉइल मॉइस्चर सेंसर पहले पुट करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं ड्राई का, कर लेते हैं जब मैक्सिमम ड्राई लेस देन कर लेते हैं। लेस देन सेंसर की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, 100 कर रहे हैं। 100 से जैसे ही वैल्यू नीचे हो, मतलब सॉइल मॉइस्चर सेंसर ड्राई हो जाए, तो हमारी एलईडी ऑन हो जाएगी। आउटपुट पे जाइए, सेट पिन 0, एलईडी कनेक्टर 19, तो 9 हाई एंड 9 लो। अभी हमने कंडीशन दिया है कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू, सॉइल मॉइस्चर सेंसर जब ड्राई हो जाएगा तो एलईडी ऑन हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे कंडीशन में ड्राई पे दिया, देखिए ड्राई है,
तो एलईडी ऑन है, एलईडी की ब्राइटनेस बहुत कम है, रेजिस्टर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से ओम सेलेक्ट करिए और यहाँ 330 कर लीजिए, क्योंकि ब्राइटनेस इंक्रीज हो गई। अब जैसे ही सॉइल मॉइस्चर वेट होगा वैसे ही एलईडी ऑफ हो जाएगी, ड्राई होगा तो ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से आप कंडीशन चेंज करना चाहते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर दीजिए, जब सॉइल मॉइस्चर सेंसर ड्राई हो वेट हो स्टार्ट सिमुलेट करिए, सॉइल मॉइस्चर सेंसर वगैरह देखिए, अभी सॉइल मॉइस्चर ड्राई है तो हमारी एलईडी ऑफ है, जैसे ही वेट होगी एलईडी ऑन, ड्राई होगी ऑफ हो जाएगी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही सीखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।